पहला क्वेश्चन है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो है एशिया विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और चौथा है विश्व बैंक। तो इसका बी ऑप्शन सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ये फैसिलिटी दी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है अंकित प्रभावी विनिमय दर या नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी इसको बोला जाता है, में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा जो कथन दे रखा है वास्तविक प्रभावी विनिमय दर या रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, या इसको रीर भी बोला जाता है, में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तीसरा जो कथन है अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच के में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है, तो हमें सही बताना। जो पहला दे रखा है उसमें एक और दो सही है, दूसरे में दो और तीन, और जो सी ऑप्शन है उसमें तीन वन और थ्री, और जो डी ऑप्शन है उसमें तीनों सही दे रखे हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वन एंड थ्री यह सही है। तीसरा क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दे रखा है कथन, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। दूसरा जो कथन है यदि रुपया का तेजी से मूल्य ह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। तीसरा जो कथन दिया है यदि यूएसए या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से आरबीआई की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही हमें बताना है, तो पहला जो ए ऑप्शन जो दिया है उसमें एक और दो सही है, बी में दो और तीन, सी में वन और थ्री, और डी में एक दो और तीन। तो इसका जो सही है वो बी ऑप्शन टू एंड थ्री इसका सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। तो पहला जो कथन दिया है यह G20 और उसके साथ पेरिस क्लब के द्वारा समर्थित पहल है। दूसरा जो कथन है यह आदरणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। तो कथन जो दे रखा है पहला ए में है एक सही, बी में दो सही है, और सी में एक और दो दोनों सही, और डी में है न तो एक है और न ही दो सही। तो इसका जो क्वेश्चन ऑप्शन सही है वह सी एक और दो दोनों ही सही है। पांचवा क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रा स्फीति संलग्न बॉन्ड या इन्फ्लेशन इंडेक्सड बॉन्ड भी इसको बोला जाता है, तो इसके क्या लाभ होते हैं, तो यह पूछा गया और सही आंसर पूछा गया। तो पहला कथन जो दे रखा है सरकार आईआईबी के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। दूसरा जो कथन दिया है आईआईबी निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तीसरा जो कथन दिया है आईआईबी पर प्राप्त ब्याज दर ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते, और इसका सही आंसर बताना है, तो सही कौन सा है, ए में जो दिया गया है एक और दो सही है, बी में दो और तीन, सी में वन एंड थ्री, और जो डी है उसमें वन टू एंड थ्री। तो इसका डी आंसर सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर कर रहा हूँ।